दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों आज के न्यूज की तरफ चलते हैं, क्या वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए क्या होता है, हम सामान्य तौर पर गांव में तो थोड़ा कम होता है लेकिन शहरों में थोड़ा ज्यादा होती है प्रवृत्ति कि खाने पीने की जो चीजें, चाहे हमें खाना पैक कराना हो या अन्य चीजों, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने की वस्तुएं जो होती हैं उनको हम पॉलिथीन वगैरह में पैक करा के लाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती जा रही है, दिन प्रतिदिन समस्या होती जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गांव में पैक होकर नहीं आती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम आती है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए अब खाने को पैक करने के लिए होगा घास के फाइबर का उपयोग। तो ये है आज की न्यूज, ठीक है। तो ये न्यूज हम लेके आए आपके लिए, न्यूज़पेपर में छपी थी, शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि भाई पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने न्यूज़पेपर होते हैं और कौन सी खबर आज तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। चलिए दोस्तों, तो देखिए भाई अब मिलेगी प्लास्टिक से निजात, क्या हमें प्लास्टिक से निजात मिलने वाली है और क्या हमारे दिमाग में ये आइडिया था अभी तक के नहीं था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, 10,000 टन डिस्पोजेबल प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की मात्रा में बदलने से पैकेजिंग उत्पादन में होने वाला कार्बन उत्सर्जन से सालाना लगभग 2,10,000 टन CO2 की कमी आएगी। अगर हम 10,000 टन डिस्पोजल प्लास्टिक को हटा लें, उसको बायोडिग्रेडेबल बना दें, ठीक है, और ये पैकेजिंग की मात्रा में बदलने से, यानी जो पैकिंग होके जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जाते हैं, तो उससे 2,10,000 टन CO2 की कमी आ जाएगी। यानी कितना अच्छा होगा हमारे लिए और कितना अच्छा होगा पर्यावरण के लिए, आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, घास के फाइबर यानी घास के रेशों की मदद से जो पैक किए जाती हैं चीजें, तो पैकिंग किसकी बनाई जाएगी, आप घास के रेशों से बनाई जाएगी, ऐसा न्यूज में आया है। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं आज दुनिया भर में पैकेजिंग के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। प्लास्टिक ओशन के अनुसार यह कुल प्लास्टिक उपयोग का 40% है, यानी कि जितना हम फूड प्रोडक्ट्स, ये देखिए दोने पत्ता, ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें पैक होके आती हैं, शादियों वगैरह में भी देखी होंगी आपने अक्सर, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक है। कैसी प्लास्टिक है, सिंगल यूज, एक बार यूज किया और फेंक दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यानी इससे 40% हिस्सा केवल इन्हीं चीजों का, फूड प्रोडक्ट्स जो पैकिंग आती है केवल इन्हीं का 40% है। सोचिए अगर हम इस 40% को कम कर दें तो कितना हंसी खुशी एनवायरमेंट हो जाए हमारा। चलिए, दुनिया भर में सालाना लगभग 50,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाता है, 50,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का यूज किया जाता है। हर मिनट 10,00,000 से अधिक थैलियों का उपयोग किया जाता है, यानी एक मिनट के अंदर 10,00,000 से अधिक प्लास्टिक की थैलियों का यूज हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं, तो भाई वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय था, पैकेजिंग में प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने की जुगत में पूरा विश्व लगा है कि पैसे कैसे इस तरह प्लास्टिक से पार पाया जाए। आइए दोस्तों, ठीक है, तो प्लास्टिक की थैली आप देख पा रहे हैं, अब देखिए क्या है? तो न्यूज ये है कि पैकेजिंग के लिए घास के रेशे अब प्लास्टिक की जगह लेंगे, यानी प्लास्टिक की जगह किसका यूज किया जाएगा, घास के रेशे। कौन सी होगी घास, कौन सा देश बना रहा है, कहां होगा, भारत में कब आएगी, सब चीज जानेंगे। यह 100% बायोडिग्रेडेबल होगी, मजे की बात है, बायोडिग्रेडेबल हो 100%, बहुत अच्छी बात है। यह डिस्पोजल सामग्री, यानी इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस सामग्री को बनाने का लक्ष्य है सिनप्रोपैक, ये सब ध्यान रखना है, एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है। क्या है, सिनप्रोपैक नामक एक नई परियोजना के तहत रखा गया है, एक तो योजना चलाई जा रही है सिनप्रोपैक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, आजकल पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजल प्लास्टिक के लिए एक स्थायी विकल्प देना, यानी कि घास के रेशे का इस्तेमाल करना। तो ये सब ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से सिनप्रोपैक किससे संबंधित है, तो ये सब आपका एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है। आइए दोस्तों, यह परियोजना उद्योग उपभोक्ता जानकारी इकट्ठा करने वाले संस्थान को एक साथ लेकर आई है। पहला इसका निर्माण छोटे पैमाने पर किया जाएगा, भाई पहले छोटे पैमाने पर यूज करेंगे, देखेंगे किस किस चीज को ये रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। पहले भाई उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि बना दी और बेचना शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि बेकार चीजें निकलनी, ठीक है। तो पहले टेस्टिंग की जाती है, छोटे पैमाने पे की जाएगी। चलिए अब भाई कॉन्सेप्ट अगर निकल के सामने आ गया है, ठीक है, तो क्या होगा,
तो उसके प्रोडक्ट भी निकल के सामने आएंगे, टेस्टिंग भी होगी। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं जैसे मेडिसिन बनाने में, कोरोना की दवाई बनाने में कितना समय निकल गया, 1 साल लग गया लगभग। ठीक है, तो भाई इनके भी टेस्टिंग करने, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने में समय तो लगता ही है। ठीक है, बाद में इसे व्यावसायिक आधार पर भोजन की पैकिंग के लिए उपयोग किया जाएगा, यानी फर्दर इसको यूज किया जाने वाला है। आइए दोस्तों, डेनिश टेक्नोलॉजिस्ट यानी डेनमार्क देश की बात हो रही है। कौन से देश की बात हो रही है? डेनमार्क। हमने इससे पहले सब सुना था सिनप्रोपेट, ठीक है, घास के रेशे से बनाया जाएगा। कौन सी? डेनिश टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के केंद्र निदेशक एनी क्रिस्टिन स्टेनिक जो हस्तपुत्र कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना डेनमार्क देश की बात हो रही है, वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि घास से बनी डिस्पोजेबल पैकेजिंग के बहुत सारे पर्यावरण लाभ हैं, ये सभी जानते हैं। पैकेजिंग 100% बायोडिग्रेडेबल होगी, ठीक, ये भी जानते हैं। ठीक है, यानी गलती से अगर आप इसको वातावरण में फेंक देते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। चलिए, अब क्या है, 10,000 टन डिस्पोजेबल प्लास्टिक को बायो आधारित या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की मात्रा में बदलना से पैकेजिंग उत्पादन में होने वाली, फिर से वही बात दोहराई जा रही है, 210,000 टन CO2 की कमी आने वाली है। ये है आपका CO2 मीटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और भी चीजें जानते हैं। एक बार उपयोग होने से या सिंगल यूज पैकेजिंग के लिए ग्रीन बायोमास के उपयोग करने की संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ तकनीक के लिए एक स्थायी जैव अर्थव्यवस्था, देखो ऐसा तो है, पर्यावरण को तो फायदा ही होगा लेकिन जो घास उगाएंगे, खेती करेंगे लोग, तो जैव अर्थव्यवस्था भी पनपेगी। ठीक है, किसानों के लिए बहुत फायदे की चीज हो जाएगी, उनकी इनकम जनरेट होगी, पैसा बनेगा। ठीक है, तो वो भी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, और पैकेजिंग से संबंधित समाधानों उद्योगों को भी इससे फायदा मिलने वाला। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब देखिए करेंगे कैसे, ये तो बातें कह दी, अब करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट क्या। ठीक है, तो देखो भाई, डेनमार्क में एक आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधन, यानी ये जो घास है, ग्रीन बायोमास, आसानी से, यानी घास, ये जो इस प्रकार की घास है, कौन सी घास है उस घास का नाम भी जानेंगे अभी। ठीक है, तो आप, हम जानते हैं कि भाई डेनमार्क में घास, ये सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं। प्रोटीन उत्पादन के लिए ग्रीन जैव शोधन पहले से ही काफी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए ग्रीन जैव शोधन पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी यहां से प्रोटीन पहले से ही निकाला जा रहा है। ठीक है, जब हम घास काटते हैं और जानवरों के चारे के लिए इसमें से प्रोटीन निकालते हैं तो हम सेल्यूलोज के लिए घास के रेशो और लुगदी में सुधार कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम पैकेजिंग का उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ चीजों को मॉडिफाइड यहाँ पे किया जाने वाला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आगे चलते हैं। अब देखिए कहाँ पे, आरहस यूनिवर्सिटी यानी आरहस विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय का नाम भी याद रखना। ठीक है, लेकिन हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, डेनमार्क है। ठीक है, अब मॉर्टन एबी जेंसन क्या कहते हैं, यह जैव शोधन यानी बायो रिफाइनिंग के प्रोसेस से इसको किया जाएगा। ठीक है, घास के सभी रेशे यानी फाइबर, ठीक है, का मवेशियों को खिलाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी घास के जो रेशे होते हैं, ठीक है, तो उसको पशुओं को सारा पार्ट उसको नहीं खिलाया जाता, कुछ पार्ट वहां से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन निकाले जाने के बाद जैव शोधन यानी प्रोटीन निकाल लेंगे पहले, फिर बायो रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो घास का लगभग 70% रेशे फाइबर होते हैं और इन्हीं 70% पार्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ा हिस्सा घास का हम यूज करने वाले हैं। सिनप्रोपेक्ट, सब याद रखिएगा, सिनप्रोपेक्ट परियोजना या सिनप्रोपेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शोधकर्ता घास और तिपतिया घास, ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या है, शोधकर्ता घास या तिपतिया घास, ये सब ध्यान रखना है। कौन सी घास के बारे में बात की जा रही है, तिपतिया घास के बारे में बात की जा रही है। दोनों को रेशियो फाइबर के स्रोतों के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों देखते हैं भाई इसी को, तिपतिया घास भविष्य के जैव शोधन बायो रिफाइनिंग के लिए पहला बायोमास होगा। तो चलिए, किसी भी घास से अगर आज तिपतिया घास से स्टार्ट हो रहा है तो कल को और भी कोई सी घासें होंगी जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, और एक बार स्टार्टिंग तो होने दीजिए। चलिए दोस्तों, परियोजना में आरहस विश्वविद्यालय और डेनिश टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन और इसमें संबंधित सुविधा प्रौद्योगिकी का परीक्षण शामिल है, टेस्टिंग की जा रही है, परीक्षण चल रहा है। कंपनी का नाम जान लीजिए, LEAF, कंपनी का नाम है LEAF पैकेजिंग, जो पहले से ही खाद्य उद्योग के लिए 100% बायोडिग्रेडेबल फाइबर पैकेजिंग का उत्पादन और निर्माण कर रही है। यानी ऐसा नहीं है
कि सारी कंपनियां यही बना रही, भाई ये कंपनी जो है आज भी 100% बायोडिग्रेडेबल फाइबर पैकेजिंग बनाती है, ठीक है, हमारे देश में पता नहीं बनती है कि नहीं बनती है फिलहाल। कंपनी घास के रेशियो का परीक्षण कर कार्य क्षमता को साबित करेगी, यानी ये कार्य भी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पैमाने से यूज किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये न्यूज थी, तो उम्मीद है कि ये न्यूज आप तक शायद पहुंची हो कि ना पहुंची हो, हम शायद साधन बने हो इसका, इस न्यूज का आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपके दिमाग में आपको समझ में ये बात आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई, हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए।